वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो अब उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसका जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी डिटेल से समझा, ठीक है। अब इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो साइन वाला था वो तो हमने चेक कर लिया था। अब हम देखेंगे टेन वाला और सेक वाला किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारे पास है, 4 + x², ठीक है। तो ये किससे मैच कर रहा है? देखिए, आप इसकी जो होल पावर है उसको अभी मत देखिए, ठीक है ना। अगर सिर्फ आप अंदर का देखिए तो आपको एग्जैक्टली नज़र आ रहा है कि 1 tan, ये जो थीटा है ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है। अब वो ये क्यों लगाते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बताया, ठीक है ना। इस तरह की शेप आती है तो फिर हम टेन यूज़ करते हैं, ठीक है। और ए इसके साथ इसलिए लगाते हैं ताकि हम इसके अंदर से कॉमन लेकर उसको कैंसिल आउट कर सकें, ठीक है। तो अब इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, अगर इस क्वेश्चन को ज़रा मैं देख लूँ तो देखिए, ये हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास है 4 पावर। अगर मैं इधर x इज इक्वल टू ए, अब ए क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास जो है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका जो इसका रूट भी क्या होगा, एक परफेक्ट होगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 2, सही, और +x², ठीक है। अब इधर ए क्या है? देखिए, ए जो होता है वो हमेशा, ये पूरी वैल्यू ए नहीं है, ठीक है। ए हमारे पास क्या होता है, जब भी क्वेश्चन गिवन होगा जो पावर होती है उसके इनसाइड, पावर के अंदर जो लिखा हुआ होता है वो ए होता है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये क्या है, 2 है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू, मैं क्या लूंगा, a, सही है। a क्या है हमारे पास, 2 है, और क्या है, इसको tan थीटा के बराबर बनाऊंगा, सही है ना, tan थीटा के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को ज़रा इधर रोक कर मैं एक चीज़ आपको समझाऊं कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास क्वेश्चन होता कि 3 + 4x² होता, ठीक है, और होल पावर कुछ भी होता, तो इधर ये हमारे पास क्या था, ए, और ये एक्स की फॉर्म में आया, तो हम इसको टेन जो थीटा है इसी के अंदर पुट करेंगे। मगर अब इसके अंदर ए किसको बनाएंगे, देखिए इधर तो हमारे पास क्या था, परफेक्ट स्क्वायर था, तो इसका रूट कर लिया तो 2 बन गया, ठीक है। अब इसका रूट क्या होगा, तो ए, तो इसको मैं क्या रखूँ, यानी इसको मैं पावर 2 पावर तो लिख नहीं सकता, सही है ना। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी से इसके ऊपर रूट डाल देंगे, ठीक है, और अपनी मर्जी से इसके ऊपर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो 3 था वो 3 ही रहेगा, सही है ना। यानी अगर मेरे पास ये 3 लिखा हुआ है और इस 3 के ऊपर मैं रूट डाल दूँ और अपनी मर्जी से होल स्क्वायर कर दूँ, तो इससे कैंसिल आउट होगा, ये 3 के बराबर ही रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जब मैंने अपनी मर्जी से ये काम कर लिया, क्यों करा है, क्योंकि मेरे भाई एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो अब हमारे पास ए क्या बन जाएगा, ए पावर के इनसाइड हमारे पास बन जाएगा √3, ठीक है। जब इस तरह की सिचुएशन आए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो आप अपनी मर्जी से क्या करेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर भी डाल देंगे और रूट भी डाल देंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको बात क्लियर हो गई होगी, एक टेक्निक थी बस आपको मैं बता रहा था, ठीक है। अब इसके अंदर करना क्या है, इधर अगर मैं ए को एक्स को रिप्लेस करूँगा, स्क्वायर ए को रिप्लेस करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 2 tan 2 tan थीटा, और होल पावर क्या थी, एक्स की स्क्वायर थी, तो टेन की अलग हो जाएगी पावर और इस 2 की अलग हो जाएगी, सही है ना, क्योंकि एक्स की होल पावर थी ना इधर, अगर आप देखो तो एक्स की जगह ये पूरा 2 tan थीटा आ गया, तो इनकी जो पावर अलग अलग ली जाती है मल्टीप्लीकेशन के केस में, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है, तो इसकी 2 की अलग हो जाएगी, ठीक है। और इनकी होल पावर जो हमारे पास थी वो क्या थी, -3/2। तो ये एक्चुअली लिखा हुआ क्या है, देखिए हमारे पास जो है dx लिखा हुआ है, अगर इसके अंदर से मैं कॉमन ले लेता हूँ 2, इसमें भी 2 है, और 2 पावर अगर कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास इधर क्या बचेगा, इधर मेरे पास बचेगा टेन, सॉरी, +1 + 1 + tan 1 + tan 10 थीटा स्क्वायर, ठीक है, और होल पावर इसकी क्या हो जाएगी, -3/2, ठीक है, और क्या हो जाएगी, dx, सही है, ये हो जाएगा dx। और इसके बाद जो है ना, इसको मजीद क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये हमारे पास, हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि हमारे पास sec θ² = 10 tan θ² + 1 के बराबर होता है, तो दिस होल थिंग इज इक्वल टू sec θ² के बराबर होगी। तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए अब इसकी जो होल पावर आ रही है, यानी पहले मैं लिख लूंगा 2 स्क्वायर, ठीक है, और क्या इधर क्या आ जाएगा, sec
इधर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर इस पूरी चीज की जगह, ठीक है। और होल पावर क्या है इसकी, माइनस थ्री बाई टू, सही है, माइनस थ्री बाई टू है और ये क्या थी स्क्वायर में आएगा, सही है। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, अब इनके होल पावर थी तो वो अलग अलग अब मैं करके लिख लूंगा, ठीक है ना। यानी मेरे पास माइनस थ्री बाई टू इधर आ जाएगी, ठीक है, और माइनस ये टू पावर इसकी एज इज और इसकी होल पावर माइनस थ्री बाई टू एज इज, ठीक है। अभी ये हमारे पास क्या है टू की पावर टू और माइनस क्या है माइनस थ्री बाई टू है, तो इसकी पावर, इसका मतलब हो रहा है जब हमारे पास होल पावर और पावर ऊपर नीचे होती है, यानी मतलब ये हुआ कि जब बेसिस सेम होती है तो पावर एक हो जाती है, ठीक है। पावर के ऊपर पावर हो तो उसका मतलब है पावर के ऊपर पावर नहीं है, पावर के ऊपर होल पावर है, ठीक है ना। यानी हमारे पास इसके साथ इसके ऊपर होल पावर आ रही है, इसके ऊपर पावर नहीं है, इसकी होल पावर है, तो ये पावर आपस में क्या हो रही होती है मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो मतलब क्या हुआ माइनस थ्री बाई टू टाइम्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है टू, अब टू इधर से मल्टीप्लाई करवा लूँ लेफ्ट से बात है कि तो टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये टू इससे कैंसिल होगा और ये टू इससे कैंसिल और ये डी एक्स एज इट इज, ठीक है। और अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा टू, ठीक है, और ये क्या है टू माइनस थ्री पावर, ठीक है, यानी माइनस थ्री पावर, ठीक है ना। और इधर क्या आ जाएगा सेक सेक माइनस थ्री पावर, ठीक है ना, टू पावर खत्म हो गई और ये पावर इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब इधर क्या आ रहा है मेरे पास आ रहा है डी एक्स आ रहा है, तो आपको पता है कि जो डोमेन में वेरिएबल होता है वो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है, तो डी एक्स को मुझे किसी तरह से रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी सब्सिट्यूट करना पड़ेगा अब हमें वैल्यू। तो हमने क्या करा था, एक्स बराबर है हमारे पास था टेन सॉरी टू टू टेन टू टेन टू टेन टू टेन के बराबर लिया था, ठीक है, और मैं डी एक्स बाय डी थीटा कर लूँ, क्योंकि मेरे पास जो ऐसा जो रेंज आ रही है वो एक्स आ रहा और ये किसके पास जा रहा डोमेन कौन सी थीटा है, तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा, और जब ये डिफरेंशिएट होगा टू तो टू बाहर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। और मेरे पास टेन की जो डिफरेंशिएशन होगी, देखिए टेन थीटा और विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा आंसर निकल कर, तो ये हमारे पास आएगा टेन की जो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होती है या डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास आता है सेक स्क्वायर, ठीक है, और थीटा आ जाएगा, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो थीटा निकालना है, ठीक है ना, वो सॉरी डी एक्स निकालना, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा टाइम्स टू सेक सेक और ये स्क्वायर और क्या आ जाएगा और ये आ जाएगा डी थीटा, सही है। अब हमने इसको सब्सिट्यूट कर लिया है। अब देखिए आपको एक बात मालूम है, ये हमारे पास क्या हो रहा है सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है। अब ये टू को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, यानी टू को मैं इसके साथ यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब वो मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि बेसिस सेम हो तो पावर एक हो जाती है, ठीक है ना। यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए जब बेसिस सेम होती है तो पावर एक हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास इधर टू की पावर क्या है वन है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो इम्प्लाइज वन है, और इधर क्या है माइनस थ्री, तो बेसिस सेम है तो पावर एक हो जाएगी, तो माइनस थ्री प्लस वन तो हमारे पास इज इक्वल टू माइनस टू बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो टू की पावर होगी वो क्या हो जाएगी माइनस टू, ठीक है, और ये माइनस टू है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी टू पावर माइनस प्लस टू हो जाएगी, ठीक है ना। यानी हमारे पास ये टू बच रहा था माइनस टू, नीचे जाके क्या हो जाएगी माइनस टू, ठीक है, माइनस टू पावर और ये बाहर आ जाएगी, ठीक है। और बाहर अगर मैं ले लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी माइनस टू सॉरी टू स्क्वायर और ये टू का स्क्वायर का फोर और ये इंटीग्रल से बाहर आ गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये हमारे पास क्या टू पावर है और ये क्या थ्री है, तो थ्री माइनस थ्री प्लस टू, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा सेक सेक थ्री का पावर क्या बचेगी सिर्फ वन, वो भी माइनस में, ठीक है। अब ये माइनस में बच रही है, तो माइनस में जब बच रही है तो हमारे पास इसको हम क्या लिखेंगे, नीचे जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी सेक सेक थीटा और ये वन पावर इसकी नहीं लिखेंगे अब, ठीक है, क्योंकि प्लस में और ये डी थीटा, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब हमने वन बाय सेक की तो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी, मगर हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो है ना कोस थीटा इज इक्वल टू वन बाय सेक के बराबर होता है, ठीक है, बेसिक इन्वर्स आइडेंटिटी है। तो वन बाय फोर एजी किस आ गया और हमारे पास ये इन्वर्स, तो हमारे पास ये क्या आ गया कोस थीटा और ये क्या आ गया डी थीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि हम जब साइन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो कोस आता है, अब कोस का वापस से इंटीग्रेशन लेंगे तो वापस हमारे पास क्या करेगा वही फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस ऑफ ये डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन के लूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी वन बाय फोर टाइम्स कोस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, तो साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया निकल के साइन
साइन थीटा बाय फोर, ठीक है, और सम कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। अब इसको इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हमारे पास ये, अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल होता, यानी अगर मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन था उसको मैं अगर यहाँ पर लिख लूँ, यानी ये जो हमारे पास क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये हमारे पास जो क्वेश्चन था वो यहाँ आ गया, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आंसर आया, ठीक है। अगर मेरे पास ये डेफिनेट इंटीग्रल होता तो अब देखिए आपको लिमिट पता कुछ भी हो सकती है, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ वन से लेके तीन तक होती, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है कि पहले आप डोमेन तीन रखोगे, फिर उसके अंदर से माइनस करवा दोगे डोमेन वन रखकर, ठीक है ना, यानी फिर हमारे पास जब आंसर आएगा तो फिर हम सी कॉन्स्टेंट नहीं लगाते, ठीक है ना, आपको मालूम है वो क्यों नहीं लगाते, सारा हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ लिमिट हम इस तरह से लगाते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है वन से लेके थ्री तक, ठीक। अब इसके अंदर हम क्या करते थे, हम करते थे इसके अंदर इसके डोमेन पुट करेंगे, ठीक है, तीन रखकर फिर उसकी डोमेन वन रखकर उसमें माइनस करवा देंगे, ठीक है। मगर बात यह है कि इधर हमारे पास अगर देखो जब क्वेश्चन गिवन था तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था हमारे पास, एक्स था। तो ये जो हमारे पास लिमिट लिखी हुई है ये किसके लिए है, ये एक्स के लिए। आप एक्स इज इक्वल टू थ्री रखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद एक्स इज इक्वल टू वन रखोगे, फिर जो भी आंसर आएगा, ठीक है, फिर आप वो लिख दोगे, ठीक है। मगर इधर देखो तो इधर हमारे पास जो है वो क्या लिखा हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारे पास क्या है, साइन थीटा है। अब आप इसके अंदर ऐसे नहीं कर सकते कि आप पहले जो है तीन डिग्री या रेडियन इसको रख लो, तो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। फिर आप सोच, आप इसके अंदर तो ये फोर लिख दिया, फिर आप माइनस करवाओ साइन जीरो डिग्री या रेडियन रखकर, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जब लिमिट हमारे पास गिवन थी वो एक्स के लिए थी, ठीक है, यानी एक्स के अंदर ये डोमेन पुट होगी, ठीक है ना, क्योंकि जब हमारे पास क्वेश्चन गिवन था तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था, और अब हमने जो आंसर निकाला वो हमारे पास क्या है, एज अ थीटा फॉर्म आ रही है, तो थीटा के अंदर ये हम पुट नहीं कर सकते। तो अब इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। चेंज क्या करना है, हमें इसको लेकर आना है एक्स की फॉर्म में, ठीक है। अब एक्स की फॉर्म में हम किस तरह से लेके आएंगे, तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा था हमारे पास जो है ना, हमने इसको किसके बराबर बनाया था, x इज इक्वल टू टू टेन थीटा के बराबर बनाया था, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूं, देखिए अब मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना, मैं रिप्लेस किस तरह से करूं, अगर मैं टेन थीटा इज इक्वल टू टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास एक्स डिवाइड बाय टू हो जाएगा, तो मेरे पास टेन किसके बराबर आया स्टूडेंट्स, टेन थीटा मेरे पास बराबर आया है इसके, ठीक है। अब इसके अंदर से मुझे क्या करना है, मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब हमारे पास कई तरीके हैं, ठीक है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, इनवर्स पढ़े हुए, आप किसी भी तरह से आप साइन की जो भी वैल्यू आ रही है वो आप इसके अंदर से पुट कर रहे हो, ठीक है। मगर मेरे पास एक आसान तरीका ये है, हमें पता है कि हमारे पास ये जो टेन थीटा वो किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ये हमारे पास रेशियो जो होती है, सही है। यानी अगर मैं एक ट्राइंगल इधर कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ठीक है ना, तो वो हमारे पास क्या होती है, ये मैंने एक परफेक्ट एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, एक्स है इधर, ठीक है, और इधर मेरे पास जो बेस है वो क्या है, अगर मेरे पास ये वाला एंगल अंडर कंसिग्रेशन थीटा, ये वाला एंगल बनना है, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ठीक है। मगर मुझे हाइपोटेन्यूज मालूम नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो है ना, देखिए अगर मुझे पता है कि पी जो बराबर है वो किसके बराबर है, पी इज इक्वल टू एक्स के बराबर है, ठीक है, और मुझे मालूम है कि बी जो बराबर है यानी बेस जो बराबर है वो टू के बराबर है, अगर मुझे एस एच मालूम हो जाए तो मुझे हाइपोटेन्यूज मालूम हो जाएगी, ठीक है। मगर हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है कि एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस स्क्वायर, सही है ना। तो ये हमारे पास बराबर होता है एच स्क्वायर के, तो मेरे पास ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है, और इसका हम रूट करेंगे तो ये रूट इससे कैंसिल हो, हमारे पास क्या आ जाएगा पी। अब पी किसके बराबर है स्क्वायर, पी हमारे पास बराबर है एक्स, और एक्स के ऊपर क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा ना, ठीक है। फिर प्लस बी क्या है हमारे पास, अब बी है हमारे पास टू, तो टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा फोर, तो हमारे पास जो एच आया है वो किसके बराबर है स्क्वायर, वो हमारे पास बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर के, ठीक है। अब देखिए आप इसको बाय ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज वगैरह है उससे भी निकाल सकते थे और ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपको आसान लगे, ठीक है। मुझे ये आसान लगा, मैंने ऐसे निकाली है, जरूरी नहीं आप भी ऐसे निकालो, जैसे आपका दिल करे आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा सकते हो, टेन थीटा प्लस कोस थीटा स्क्वायर आप लगा सकते हो, टेन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन
ठीक है, ओवर कॉस्ट, ठीक है, इस तरह की बेशुमार आर्गुमेंट ठीक है आप किसी से भी निकाल सकते हो, थोड़ा मेरे लिए मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, अगर आपको उससे आसान लगता है तो आप उससे निकालिए, ठीक है। अब मुझे पता है कि अब मैं अगर मैं मुझे पता है कि ये इस एंग थीटा एंगल के लिए है, ठीक है ना, तो हमने ये थीटा एंगल के लिए निकाला है, तो अगर मैं साइन देखना चाहूँ तो साइन किसके बराबर होगा, तो अगर मैं सिर्फ साइन देखूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, है ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास एक्स है, और मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, सॉरी ये क्या है, रूट में भाई, सही है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, देखिए मेरे पास साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इज इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और डिवाइड क्या हो रहा था, 4 हो रहा था, 4 डिवाइड हो रहा था, तो इसका मतलब है कि हमारे पास किस तरह से डिवाइड हो रहा, 4 इधर है, रेसिप्रोकल करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1/4, ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो है वो 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, और सम कॉन्स्टेंट सी, ठीक है, सम कॉन्स्टेंट सी, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था इसका फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट इसी तरह से अगर इसके हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बात कर लें जो कि हमारे पास था, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या गिवन है, हमारे पास है 1/√4x² और -1, ठीक है, अगर हम देखें तो ये किससे मैच कर रहा है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर और माइनस ए, यानी हमारे पास इधर ए स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, यानी इधर ए लिखा हुआ, इसका मतलब ये, अब मुझे इसको क्या करना है, किसी तरह से मुझे इस वैल्यूज को, मुझे पता है कि ये सेक की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स इज इक्वल टू, देखिए अभी 1 के ऊपर मैं क्या डाल सकता हूँ, स्क्वायर डाल सकता हूँ, ठीक है, 1 के ऊपर क्या डाल दिया मैंने, स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, सही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ए आ गया, ठीक है, और टाइम्स हमारे पास क्या आ गया, सेक, तो मैं इसको क्या बनाऊंगा, सेक के बराबर, ठीक है ना। अब देखिए हर बार आपको ए इसके साथ मल्टीप्लाई ही करवाना जरूरी है, ऐसा है, तो अभी वो जरा चेक कर लेते हैं ऐसा क्या है। तो अब मैंने ये कर लिया, तो हमारे पास इधर रेफर करते हैं पहले, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है रूट, और हमारे पास क्या है, 4, और 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेक, सही है ना, सेक, सेक स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस क्या आ गया, 1, ठीक है। और अब इधर से जो है ना स्टूडेंट्स ये वैल्यूज आ गई है मेरे पास, तो हमने एक आइडेंटिटी ये पढ़ रखी है कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो है टेन टेन थीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक सेक ठीक है स्क्वायर, ठीक है, और अगर मैं सिर्फ जो है ना सेक को रिप्लेस करूं, सिर्फ टेन को मैं सेपरेट करूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेक सेक थीटा स्क्वायर -1, ठीक है, -1 इधर आ जाएगा, तो इधर मैं कुछ इस तरह से फॉर्म बना सकता हूं, तो ये चीज़ मेरे पास क्या हो जाएगी, मेरे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, 4, और ये मेरे पास मैं क्या कर सकता हूं, टेन टेन थीटा के बराबर लिख सकता हूँ स्क्वायर के, ठीक है, मगर ये गलत हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, तो इसमें बात ये है क्योंकि ये हमारे पास अगर हम बोर्ड में रूल जो बेसिक हमने रूल पढ़े थे उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है, ये जब तक हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते जब तक ये फैक्टर की फॉर्म में ना आ जाए, ठीक है, अगर मेरे पास ये फैक्टर होता ऐसे, यानी मेरे पास ये ऐसे ये पूरा एक ब्रैकेट में बंद होता, अगर आप देखो तो ये 4 जो है वो इस सेक के साथ जुड़ा हुआ है, सही है, इस 1 के साथ नहीं है, सही है, तो ये इस अभी जो है ये इसके साथ है, तो इसके साथ ही ब्रैकेट में बंद नहीं हो सकता, इस तरह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि इसको मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर सकता हूँ, सिर्फ इसको और इसको ब्रैकेट में बंद नहीं कर सकता, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना था, मुझे तो सिर्फ इधर बचाना है सेक सेक स्क्वायर स्क्वायर और -1 बचाना है किसी तरह से, ताकि मैं उसको 10 के बराबर लिख सकूं, तो ये मैं कैसे करूं, देखिए मैंने क्या कहा था कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मल्टीप्लाई करवाओ, आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड भी करवा सकते हो वैल्यूज़ को, ठीक है, वो डिवाइड किस तरह से, देखिए हमारे पास जो है ना, अगर इधर में 4 रूट और इधर में इधर क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, 2 का स्क्वायर 2 और इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और -1, ठीक है, अब मैं जो है ना ए इसको बनाता हूँ और ये ए इसको बनाऊंगा, वो भी डिवाइड करवाऊंगा, ठीक है, वो डिवाइड अगर मैं करवाता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ये आपको देखना पड़े, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं आप हर दफ़ा मल्टीप्लाई करवाओ और ए आप इसी को बनाओ, 7 वाले को भी बनाना पड़ेगा, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं इधर दिखाऊं तो ये अब हमारे पास क्या होगा, 2 का स्क्वायर 2, ठीक है भाई, ठीक है, और x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x x की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा सेक
sec थीटा स्क्वायर और टू थीटा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्स पूरा स्क्वायर में था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा इसका भी, और ये क्या आ गया माइनस वन, और ये पूरी की पूरी क्या वैल्यू रूट में। अब देखो ये इससे डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया, अब इससे कैंसिल आउट हो गया ये, तो अब हमारे पास सिंपल जो बचा है वो क्या बचा है sec स्क्वायर माइनस वन। अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये मेरे पास लिखा हुआ है टेन टेन स्क्वायर, ठीक है, टेन स्क्वायर, और ये रूट इसके ऊपर डाला हुआ तो ये इससे कैंसिल होगा, जब इससे कैंसिल होगा तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा टेन बचेगा, सही है। तो इसका मतलब है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल साइन वन बाय टेन और क्या आ गया डी एक्स आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना इधर जो डोमेन आ रही है वो क्या आ रही है थीटा आ रही है, और इधर क्या आ रही है डी एक्स आ रही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो है ना इसको रिप्लेस करना है, ठीक है ना, और ये वन बाय टेन जो इंटीग्रल है ये भी हमने नहीं पढ़ रखा, सबसे पहले इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हमने क्या करा, हमने बराबर बनाया एक्स इज इक्वल टू सेक सेक थीटा बाय टू के बराबर बनाया, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ डी एक्स बाय डी थीटा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास एक्स किसके पास जा रहा है थीटा के पास जा रहा है, तो ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा सेक सेक थीटा, सही है, और वन बाय टू बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और ये क्या आ जाएगा डी एक्स। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ना इसको सेक का जो डेरिवेटिव आता है वो हमारे पास आता है टेन टेन टाइम्स सेक, सही है, और साथ में क्या था वन बाय टू, ठीक है, ये इसका क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो मेरे पास ये डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या सब्सिट्यूट करना है, मुझे एक डी एक्स निकालना है, ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है उठ करके मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको इसको हम क्या सब्सिट्यूट कर सकते हैं कि हमारे पास वन बाय टेन वन बाय टेन वन बाय टेन, ठीक है, ठीक है। अब ये वाली तो वैल्यू ऐसी की जा गई, अब डी एक्स को अगर सब्सिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या वन बाय टू, ठीक है, और हमारे पास क्या है टेन टेन टाइम्स sec sec, सही है, और ये क्या आ गया डी थीटा, सही है। तो टेन टेन से कैंसिल, ठीक है। देखिए इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने पहले आइडेंटिटी लगा ली थी और मैंने क्या कर लिया था इसको ऊपर ले गया था, ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्टली ऐसा करो, सही है, आप पहले उसको डी एक्स का जो डी एक्स को पहले रिप्लेस कर लो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो वन बाय टू हमारे पास बाहर आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा sec बचेगा, सही ना, sec थीटा, और हमने sec जो थीटा का जो डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स वो हमने पढ़ रखा है, वो हमारे पास बराबर आएगा वन बाय टू एजी किस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बराबर आएगा ln ln, और ln की जो डोमेन होती है ln क्या लिखा हुआ है log, यानी हमारे पास log लिखा हुआ है log log e, सही है, log बेस e, और इसकी जो डोमेन है वो आगे लिखेंगे, सही ना, तो इसको ln लिखते हैं जिसकी बेस e होती है। तो ये हमारे पास ln आ गया, और ln की जो हमारे पास जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी sec sec थीटा, सही है, sec थीटा प्लस tan थीटा tan थीटा, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इंडिविजुअल इससे भी डिवाइड करवा दो इससे भी, क्योंकि ये इसकी डोमेन है, ये सिर्फ जो है ना इससे होल डिवाइड होगी, इनसे अलग अलग नहीं होगी, क्योंकि डोमेन जैसे हमारे पास अगर टू और इधर हमारे पास साइन साइन टू थीटा होता है तो ये टू इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो टू एज अ एंगल के तौर पे आ रहा है और ये एज अ वैल्यू के तौर पे आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए फिर से वो मैं बात कहूँगा कि अगर लेट सपोज हमारे पास अगर इधर कोई लिमिट होती वो कहता है कि भाई मिसाल के तौर पे वन से लेके तीन तक निकालना है, तो ये अगर हमारे पास शुरू में मैं क्वेश्चन के ऊपर आऊँ यहाँ पर, यानी वो कहता है कि वन से लेके तीन तक निकालना है, तो इसका मतलब है ये जो डोमेन पुट होगी वो सिर्फ एक्स के लिए पुट होगी, ठीक है। और अगर आप इधर आंसर देखो तो वो क्या आ रहा है, इसकी जो डोमेन आ रही है अगर मैं इधर लिमिट लगाऊंगा तो वन से लेके तीन होगी इधर भी जैसे ऊपर थी, तो अब वो इस थीटा के अंदर पुट नहीं होगी, वो सिर्फ एक्स के लिए, ठीक है, थीटा के अंदर नहीं पुट होगी। ये एक बड़ी मिस्टेक कर सकते हो आप, अगर लिमिट गिवन होगी तो फिर आप कहीं थीटा के अंदर या कोई भी वेरिएबल हो, आप सिर्फ वो जो लिमिट होगी जब कोई भी वो एक्स जो 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 वैल्यू बताएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पुट करके वैल्यू निकालनी है, तो वो जो शुरू के अंदर जो वेरिएबल मौजूद होगा जब क्वेश्चन गिवन होगा, जैसे यहाँ पर एक्स इधर हो सकता है, वाई होता, थीटा होता, कुछ भी होता, तो वो वैल्यू सिर्फ उसी के लिए, ठीक है। तो ये एक्स इधर गिवन था, तो ये जो थ्री और जो वन और थ्री है वो किसके लिए गिवन है, इस एक्स के लिए, ना कि थीटा के लिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ इसको ट्रांसफॉर्म करना है एक्स की फॉर्म में, ठीक है।
तो अब इसको किस तरह से करेंगे, बिल्कुल आसान है कि कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं इधर देखूं, मैंने क्या बनाया था, x इज इक्वल टू sec के बराबर बनाया था। अगर यहाँ पर देखो तो अगर ये 2 इधर चले जाएगा मेरे पास, तो मेरे भाई किसके बराबर हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू sec के बराबर हो जाएगा, sec थीटा के, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 1/2, ठीक है, और यह क्या आ जाएगा ln, और sec इधर पहले sec की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर sec की जगह मैं लिख सकता हूँ 2x, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं हर दफ़ा ट्राइंगल बनाओ, अगर यहाँ से आसानी से हो सकता है तो आप यहाँ से निकालो, ठीक है। अब इधर क्या है, प्लस tan है, ठीक है ना। अब tan किसके बराबर होता है, तो मैंने ये बताया था कि tan थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास होता है sec स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sec tan, यानी tan लिखा हुआ था ना, तो tan स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है। तो अब इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/2 ln, और इधर क्या आ गया 2x प्लस इधर रूट, इधर क्या आ जाएगा 2x, सही है, sec की जगह और होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1, ठीक है। और इधर आप वैल्यूज अगर मैं चेक करूँ तो 1/2 ln, और इधर क्या आ जाएगा 2x, और प्लस इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, और इधर स्क्वायर, और ये क्या आ गया माइनस 1, ठीक है, और सम कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था इसका फाइनल आंसर, आई होप कि आपको सारी चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई, क्योंकि ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के ऊपर।